हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो विश को मैनिफेस्ट करने से पहले आपने समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला पॉइंट है, अपने आप को हर तरह से काबिल समझो। मतलब आपकी विश कोई भी हो, लेकिन अगर आप चीजों को पाना चाहते हैं तो उसको हमेशा अपने से एक स्टेप भी ऊपर मत समझना, क्योंकि अगर ऐसा आप समझते हो तो आप मन ही मन अपने आप को उस चीज से कम समझते हो, तो एनर्जी भी उस विश की तरफ वैसे ही ट्रैवल करेगी। मान लो आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उसको अपने आप से ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो आपकी यही एनर्जी उस पर्सन के पास जाएगी, तो आपका लेवल कम होगा। तो कोई भी पर्सन अपने आप से बराबरी का ही पार्टनर चुनेगा। अपने आप से कमी जिसमें है, वो ऐसे पार्टनर से दोस्ती या प्यार या रिश्ता क्यों बनाएगा? इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको उस विश के काबिल अपने आप को समझना होगा। ना कम समझना है ना ज्यादा समझना है, बिल्कुल बराबरी की लेवल का समझो, तभी आप विश को मैनिफेस्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, अपने आप पे विश्वास करो। देखिए फ्रेंड्स, आपने कई सारे सफल लोगों को देखा होगा या रोज देखते होंगे, तो वो सफल क्यों है, कभी भी ये सोचा है? सफलता ये पुरखों से, मतलब पूर्वजों से नहीं आती, या ये कोई नसीब या भाग्य की बात नहीं होती, ये अपने अंदर के विश्वास से आती है। और विश्वास ये होता है कि वो चीज मेरी है या फिर मैं उस चीज का क्रिएटर हूँ, तो ऑफ कोर्स ये मेरी ही है, मुझे पता है, अगर इसे मैंने बनाया है तो ये मेरी चीज है और इसमें मुझे सफलता आनी ही है, या फिर वो सिर्फ मेरा है, इसका मतलब वो पहले से मेरा है, वो मेरे लिए है। इसे कहते हैं विश्वास, अपने अंदर से आने वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो आप अपने इरादों को मजबूत बनाती है, ये होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ। वरना तो सफलता अगर पूर्वजों से आती, बाप दादा की जायदाद से होती, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो बाप दादा की जायदाद को खत्म करके ठोकरे खा रहे हैं। तो हमेशा याद रहे, विश को मैनिफेस्ट करने के लिए या सक्सेस हासिल करने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। हमारा तीसरा पॉइंट है सेल्फ लव। और सेल्फ लव बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको अपने आप से प्यार करना आता है, जिसे अपनी देखभाल करनी आती है, वो दूसरों को भी प्यार कर सकता है, दूसरों की भी देखभाल कर सकता है। ये जो अपनी फीलिंग्स समझता है तो दूसरों की भी फीलिंग्स समझ सकता है। जिसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, जिसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है और जो हर तरह से वेरी गुड है, बेस्ट है, उसके साथ तो हर कोई वक्त बिताना चाहेगा। उसे चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती, चीजें खुद ब खुद उसके पीछे आती है। सेल्फ लव की वीडियोस आपको हमारे डिवाइन सोर्स चैनल पे मिल जाएगी, जो बहुत आसान तरीके से बताई गई है, तो उन वीडियोस को देखते रहिए और अपने आप को उसी तरह से समझिए। अपना बेहद खुश चेहरा आईने में देखिए और उसे लव यू और थैंक यू बोलिए। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और दिन भी अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के कुछ पॉइंट्स। वीडियो कैसी रही ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो डिवाइन सोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक स्टे पॉजिटिव, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय फ्रेंड्स।